क्या मोदी और शाह वसुंधरा राजे को निपटा देंगे या वसुंधरा को निपटाने के चक्कर में मोदी शाह वाली भाजपा की नैया डूब जाएगी। मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वसुंधरा राजे को लेकर के अमित शाह और नड्डा से मीटिंग, मोदी की रैली, तमाम खबरें आप देख रहे होंगे, लेकिन इन खबरों के पीछे की खबर क्या है और क्या भाजपा राजस्थान में 50 सीट का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी? इन सारी खबरों को एक एक कड़ी जोड़ते हुए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहली बात, वसुंधरा राजे के साथ मोदी की रैली में जो व्यवहार हुआ, मंच पर गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के और सीपी जोशी तक सबको बोलने का मौका मिला। दिया कुमारी और अलका गुर्जर के हाथ में संचालन था, लेकिन वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं दिया गया। पीएम मोदी मंच पर आते हैं, चले जाते हैं, वसुंधरा राजे की तरफ देखते नहीं हैं। अपने भाषण में वसुंधरा राजे के कार्यकाल का जिक्र नहीं करते। इसके बाद राजस्थान में वसुंधरा का ग्राफ बढ़ने लगता है। वसुंधरा राजे का अपमान मानकर वसुंधरा के समर्थक भावुक होने लगते हैं। ट्विटर पर वसुंधरा राजे ट्रेंड करने लगती हैं, यानी वसुंधरा की अनदेखी, वहीं से मोदी को और भाजपा को भारी पड़नी शुरू हो गई थी। फिर तारीख आती है 27 और 28 सितंबर। अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर में एयरपोर्ट पर उतरते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के साथ वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे सिंधिया सभी स्वागत में खड़े हैं। इस स्वागत में प्रदेश अध्यक्ष पगड़ी पहनाते हैं अमित शाह को, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं सीपी जोशी। बगल में वसुंधरा राजे हैं, फूल लेकर खड़ी, फूल बढ़ाती हैं बिना वसुंधरा राजे की तरफ देखे हुए। अमित शाह फूल ले लेते हैं, वसुंधरा हाथ जोड़ करके नमस्कार करती हैं, अमित शाह देखते भी नहीं हैं उस तरफ, एक नजर भी नहीं घुमाते हैं कि वसुंधरा उनको नमस्कार कर रही हैं। अब इन सब के बीच आप अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे। किसी मीडिया रिपोर्ट में नजर आएगा कि कोर ग्रुप की बैठक के बाद वसुंधरा मुस्कुराते हुए निकली, यानी सब कुछ ऑल इज वेल, सब कुछ ओके हो गया है। किसी मीडिया रिपोर्ट में निकल रहा है कि नहीं, अंदर का माहौल अच्छा नहीं था। वसुंधरा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें उनको चिंताग्रस्त दिखाया जा रहा है, लेकिन इन सब के पीछे की खबर, दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह टेंशन में वो हैं, टेंशन में वसुंधरा राजे नहीं हैं। और इसकी एक मिसाल, एक उदाहरण मैं इसका आपको बताता हूं। दिल्ली में वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद थी। दिल्ली में भाजपा के नेता टिकट बंटवारे को लेकर के उनसे चर्चा करना चाह रहे थे, बातचीत हुई। प्रहलाद जोशी राजस्थान की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, उनके साथ टिकट बंटवारे पर एक चर्चा होनी थी। भाजपा के दफ्तर में जाती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, एकाएक पता चलता है कि प्रहलाद जोशी कैबिनेट मीटिंग में चले गए। ये वैसा ही था जैसे मंच पर नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ देखा नहीं, उनकी चर्चा नहीं की, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। अमित शाह ने उनके प्रणाम को, उनके अभिवादन को देखना जरूरी नहीं समझा। ठीक वैसा ही था कि प्रहलाद जोशी जिस बैठक में वसुंधरा के साथ चर्चा करने वाले थे, बैठक से ऐन पहले कैबिनेट मीटिंग का हवाला देकर के निकल गए और वहां पर बाकी नेता, चंद नेता बैठे रहे। वसुंधरा पहुंची और जब चर्चा की बात हुई तो वसुंधरा ने कहा, टिकट बंटवारे की चर्चा के समय वसुंधरा ने उनसे पूछा कि आपके क्षेत्र में बारिश कैसी हो रही है, मौसम कैसा है आपके इलाके में? ठीक ठाक बारिश हो रही है, सूखा पड़ा है, भौचक्के रह गए सारे। सबने कहा कि मैडम टिकट बंटवारे की बात करनी थी,
वसुंधरा राजे ने बोला, टिकट बंटवारे पे क्या बात करनी है भाई, आपने सर्वे करवा लिया है, सर्वे में जिताऊ प्रत्याशी आपने तलाश लिए हैं, तो लिस्ट बना दो, फाइनल कर दो, जब सब कुछ कर लिया तो फिर मुझसे क्या पूछना। और इतना ही नहीं, आप अच्छा प्रत्याशी अगर हो तो झालड़ा पाटन वहां के लिए भी एक अच्छा प्रत्याशी तलाश लो। ये सीट वसुंधरा राजे सिंधिया की पारंपरिक सीट है। अब आप सोच सकते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की मनोस्थिति, मोदी की मनोस्थिति, अमित शाह की मनोस्थिति, ये समझने के लिए एक एक कड़ी जोड़ना होगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा ताकि जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं सबकी एक समरी निचोड़ आप समझ पाएं राजस्थान बीजेपी के भीतर चल क्या रहा है और राजस्थान में चुनाव में क्या तस्वीर उभर के सामने आ सकती है। अब इसके बाद की बात, इससे आगे बढ़ते हैं, ताजा खबर, देवी सिंह भाटी, बीकानेर में कोलायत विधानसभा है, 1980 से लेकर 2008 तक लगातार विधायक रहे देवी सिंह भाटी, 3 बार मंत्री रहे, भैरव सिंह शेखावत की सरकार में भी मंत्री थे, एक आईएएस के थप्पड़ कांड के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों में से एक नेता, पिछले कुछ वक्त से वो अलग अलग इलाकों में जा करके बीजेपी के भीतर वसुंधरा राजे के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार के बारे में बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और ये लगातार साफ शब्दों में लीडरशिप से, सेंट्रल लीडरशिप से कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनको फेस नहीं बनाया जाएगा, तो बीजेपी के समानांतर वो प्रत्याशी खड़े करेंगे। हालांकि वो सुंदर राजे सिंधिया ने कभी उनकी इस बात पर कहीं पर भी सहमति नहीं जताई, किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर वो सुंदर राजे इस विषय पर कोई टिप्पणी करते हुए नजर नहीं आई। खबर ये सीपीए जोशी, राजेंद्र राठौड़, अरुण सिंह और प्रहलाद जोशी, इन सब की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम करते हुए तमाम कैमरों के बीच देवी सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो गए। देवी सिंह भाटी 2019 में बीकानेर से जब अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिला था तो देवी सिंह भाटी ने अर्जुन राम मेघवाल का विरोध किया था और भाजपा छोड़ दी थी। लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री फेस बनाए जाने के लिए मोर्चा खोले हुए थे देवी सिंह भाटी। उन्होंने कहा कि गिले शिकवे दूर हो गए और वो अपनी पार्टी में, मूल पार्टी में वापस आ गए। ऐसे ही वसुंधरा के कुछ करीबी और भी बाहर हैं, वो देवी सिंह भाटी के साथ कुछ और भी नेता हैं। अब समझने की जरूरत है परेशानी कहाँ है और किसको है। और जो मैं कह रहा हूं कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया से ज्यादा परेशान नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इसको समझने के लिए आप देवी सिंह भाटी जैसे नेताओं की वापसी क्या बीजेपी की मजबूरी है या वसुंधरा की खामोशी से मोदी शाह डर गए हैं? क्या फूल लेने के बाद अमित शाह ने जो चेहरा घुमाया नहीं वसुंधरा राजे की तरफ, यह अमित शाह का डर था कि किस नजर से कैसे वसुंधरा से आंखें मिलाऊं, या वसुंधरा की उपेक्षा करने की कोशिश थी, अपमानित करने की कोशिश थी? और कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद जो एक बैठक हुई जो वसुंधरा राजे सिंधिया, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष, इनके बीच वार्ता हुई, उस वार्ता में आखिर क्या हुआ होगा, यह समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसको जोड़ना पड़ेगा तार को देवी सिंह भाटी के भाजपा में वापसी से। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा है? कहते हैं समंदर शांत दिखता है तो तूफान की आशंका बढ़ जाती है, उसके पीछे एक तूफान छिपा होता है।
वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी एंड शाह, इनके बीच एक अलग सी रस्साकस्सी चल रही है। क्या मोदी और शाह, इस सवाल की जवाब की पड़ताल कीजिएगा, बार बार वसुंधरा राजे को जो अपमानित कर रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे से जुबान खुलवाकर बीजेपी के खिलाफ टिप्पणी सुनना चाहते हैं, जिसके बाद वसुंधरा राजे पर यह तोहमत लगाया जा सके कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। क्या ये बार बार उपेक्षा, जो मूल प्रश्न जहां से आया, क्या ये उपेक्षा घूम फिर के वसुंधरा राजे को उस स्थिति पर मजबूर करने की कोशिश है? लेकिन इसके जवाब में सुनिए, वसुंधरा राजे इतनी परिपक्व नेता हैं, जिन्होंने, जिनके ईगो, जिनकी मुखरता राजस्थान के लोग जानते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए बैठक से निकलती हैं तो मुस्कुराते हुए निकलती हैं, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देती हैं। मीडिया सवाल करती है तो इशारा कर देती हैं बैठक से निकल रहे मंत्रियों की तरफ कि उनसे बात कर लो, उनसे पूछ लो। उस मुस्कुराहट, मैंने कहा ना, उस मुस्कुराहट, यहीं पर क्या मोदी और शाह की नाकामी छिपी है? हर कोशिश के बाद भी वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कान है, कोई कड़वी प्रतिक्रिया नहीं है, और यही मोदी और शाह के लिए टेंशन का सबब बना हुआ, क्योंकि हर उपेक्षा और अपमान के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का ग्राफ जिस तरह बढ़ रहा है, वसुंधरा राजे भाजपा की एकमात्र लोकप्रिय जनाधार वाली, भीड़ जुटाने वाली नेता हैं, महिलाओं में, राजपूतों में, जाटों में, ओबीसी में, सब में लोकप्रिय। तो क्या उस मुस्कुराहट और खामोशी से मोदी और शाह को डर लगना चाहिए या डरे हुए हैं? और बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में कहा था कि क्या 50 सीट बीजेपी राजस्थान में नहीं पार कर पाएगी, उसका जवाब तलाशने के लिए आपको मैं बताऊं कि करीब 45 सीट राजस्थान में ऐसी है जहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया का प्रभाव मजबूत है और जीत तय करने में उनकी सबसे अहम भूमिका होती है। जो सीटों के बंटवारे का मसला है, जहां पर मामला उलझा है, और तथ्यों पर आते हैं, करीब 30 से 35 ऐसे विधायकों की चर्चा है जिनका टिकट काटे जाने के लिए पार्टी ने अंदरूनी फैसला ले लिया है, और ये 30 से 35 विधायक वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। तो क्या कोशिश ये है कि पार्टी में जो जीत करके आए वहां पर वसुंधरा समर्थकों का बहुमत ना हो या एक मजबूत खेमा ना हो, ताकि चुनाव के बाद वसुंधरा अपने विधायकों के बल पर कोई बार्गेनिंग ना कर पाए? और अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो खामोशी के पीछे का तूफान मैंने कहा, वो तूफान शायद यहीं से आएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे अगर 50 सीटें जिता सकती हैं तो 40 सीटें बीजेपी को हरवा भी सकती हैं। वसुंधरा राजे अगर मुस्कुराते हुए भी बीजेपी में रहीं और उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, उनके करीबी लोगों के टिकट काटे गए, तो क्या प्लान ये नहीं हो सकता है कि वो लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में जाएं? और राजस्थान में ऐसा होता रहा है। मैं इसका उदाहरण आपको कांग्रेस से देता हूं। अशोक गहलोत ने पिछले चुनाव में अपने ही कुछ समर्थकों को चुनाव मैदान में निर्दलीय उतार दिया था। नतीजे आए तो उसमें से कुछ चुनाव जीत करके आए थे, और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं विधायकों का है
जो अशोक गहलोत के अपने थे और निर्दलीय मैदान में जाकर के चुनाव जीत के आए थे। तो बस इसके आगे कहना कम समझना ज्यादा। वसुंधरा राजे के करीबियों को जिनका टिकट कटेगा या जिन्हें टिकट की रेस से ही बाहर रखा जाएगा, जो सिटिंग है या सिटिंग नहीं है, टिकट के दावेदार हैं, रेस से बाहर रखा जाएगा, क्या निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे? और क्या स्थितियां ऐसी बनेंगी कि भाजपा के जो विधायक जीत के आएंगे उसमें से आधे वसुंधरा के समर्थक होंगे, 10, 20, 15, 20, 25 वसुंधरा के समर्थक होंगे, और वसुंधरा के समर्थक जो निर्दलीय मैदान में जाएंगे वो बीजेपी को 40 से 45 सीट हरवा देंगे? अगर ये आंकड़ा जाता है, ऐसा कुछ समीकरण बैठता है, तो बीजेपी कहां खड़ी होती हुई नजर आएगी आपको? क्या बीजेपी राजस्थान के भीतर 50 सीट का आंकड़ा पार कर पाएगी? अगर बीजेपी उन 40 से 45 सीटों पर हार जाती है जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद है, तो 40-45 सीटें उम्मीद वाली सीटों में से अगर कटौती होती है, घट जाती हैं, तो बीजेपी का आंकड़ा क्या 50 से ऊपर जा पाएगा? ये पूरा समीकरण दिल्ली से लेकर के राजस्थान, जयपुर, मोदी की रैली, अमित शाह, नड्डा और बीएल संतोष की मीटिंग, उस मीटिंग के बाहर मुस्कुराता हुआ वो चेहरा और उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ एक तूफान, जिससे क्या मोदी और अमित शाह परेशान हैं? इन सवालों का जवाब आप भी देने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। विश्लेषण में अगर आपको कहीं कुछ कमी भी नजर आती है तो अपनी राय रखिए, ताकि आपके राय, आपके कमेंट से हम फिर से राजनीति की बारीकियों को आप तक फिर से समग्र इकट्ठा करके लाने की एक कोशिश करें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।